वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मलिक शनावर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक शनावर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हमने जाना है उधर, एक वाटर पार्क बना हुआ है इधर फाउंटेन, तो पहले जाके आपको वो दिखाते हैं। निकलते हैं अभी, बाइक पकड़ते हैं उधर से और निकलते हैं, जाके आपको वो दिखाते हैं। और बाकी इसी व्लॉग के अंदर आपको हाउस टूर भी करवाएंगे सारा प्रोटोकॉल फूल के साथ। और अभी निकलते हैं तो जाके आपको दिखाते हैं। वो हावर लेकर आ रहा है 70 और निकलते हैं अभी, तो जाके आपको दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन्जॉय करेंगे आप चैनल को। वैसे तो सब्सक्राइब कर लें, लेकिन यह है कि फ़िलहाल ये लास्ट वाला ही व्लॉग है बस। साथ मीनार भी आई हुई है, लेकिन यह कि वो जा रहे हैं अभी देखने के लिए, हम थोड़ी पीछे ही हैं। थोड़ी आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है, सारा दिखाते हैं आपको। अभी लोगों को इतना पता नहीं है जो देखने नहीं आए हुए, क्योंकि वो भी चेक ही कर रहे हैं, सिर्फ खाना पड़ेगा। लेकिन यह कि इससे पहले घूमते हुए मैं कहीं ठिड्डा खा के गिर जाऊं। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, उसे बेहतर है इधर ही मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोटोकॉल जो भी है। ये अभी फिलहाल नीचे से अभी तैयारी होने वाली है सारी, बस ये ऐसे ही हमने बनाया हुआ है फाउंटेन, ये भी शुरू हुए हैं सारा। बस इतना ही था, तकरीबन 1.5-2 मिनट हुआ है, लेकिन ये है कि काफी मजा आया अंदर से। 8 मिनट हुआ है, थोड़ी जी 8 मिनट हुए हावर साहब के गोद। कोई सेंसेस बात, लेकिन यह कि हो सकता है इतना हुआ ही हो, मैंने थोड़ी थोड़ी अंदर क्लिप भी बनाए हैं बस। ये देखिए अभी साइड पर आए हैं, साइड पर स्टैंड वगैरह सारा इन्होंने बनाया हुआ है साइड पर। फिलहाल अभी इधर ही हैं, को प्रोटोकॉल चेक कर रहे हैं कि क्या से देख पे क्या प्रोटोकॉल है, ये सारा। नाल इंजॉय कर रही है फुल प्रोटोकॉल से, और साथ है इधर और पानी के फूरे इधर तक आ रही है जब ऊपर जाता है। मिनाल फुल इंजॉय कर रही है, कोई कर रहा हो या ना हो, लेकिन मिनाल फुल इंजॉय कर रही है। ओह माय गॉड, वाओ, पता नहीं मुझे लग रहा म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट पीछे लाजमी आ जाने। लेकिन चले कोई बात नहीं, फिर जो भी प्रोटोकॉल होगा कुछ करेंगे लाजमी इसका। और इधर हम नजदीक आकर बैठ गए, इधर से पानी पूरा ऊपर आ रहा है, गिरता जब नीचे गिरता ना इधर भी आता पानी उठता। अभी वाम भी आना शुरू हो गई है, वो साइड फुल हो गई है तकरीबन, वो काफी दूर तक वाम ही है खड़ी हुई, और इस साइड पर भी खड़े हुए हैं लोग सारा अभी देखने के लिए। लेकिन यह कि अभी बस वो चेक ही कर रहे हैं सारा प्रोटोकॉल। लेकिन यह कि हम तो तकरीबन जाने ही वाले थे, मिनाल कह रही है कि नहीं मेरा तो दिल कर रहा है मैं आज इधर ही रुकू जरा चेक करूँ सारा प्रोटोकॉल। आप तो कह रहे थे कि 5 मिनट ही चले बस। हाँ बता, मैं घंटा हो गया जी सू आया हूँ, ये प्रोटोकॉल है सारा। वैसे तो वो बंद कर देते हैं अंदर, लेकिन यह कि वहाँ आ जाती है तो वो फिर चला देते हैं।
वो ऊपर ड्रोन वीडियो भी बना रहा है और ये चेक करे जरा किधर तक जा रहा है। टाइम हो रहा है वापसी जाने का, ये तो चल रहा है मेरे ख्याल से सारी रात ही, पता नहीं क्या प्रोटोकॉल है। और फिलहाल घर हमारा काफी दूर ही है तो अभी चल रहे हैं वापसी। फिलहाल प्रोटोकॉल यही है, इधर तो चल ही रहा है मेरे ख्याल से। मनाल से ज्यादा तो फावर साहब कह रहे हैं मनाल चले वापसी। The next day. अभी व्लॉग आ रहे हैं तकरीबन 10-10 दिन बाद और काफ़ी लेट आ रहे हैं, तो ये वजह ये है क्योंकि आपको पता रात को करना होता है काम ऑनलाइन, तो फिर इस वजह से दिन को उठना तकरीबन 2-3 बजे तो उसके बाद इधर आ जाना है, तो इस वजह से कोई प्रोटोकॉल नहीं, इस वजह से व्लॉग आ रहे हैं काफ़ी लेट। और आपको करवाना था घर का टूर भी, वो आज इंशाल्लाह आज रात को करवाएंगे। पहले आपको दिखाया वो प्रोटोकॉल जो उधर था और अभी इधर सब्ज़ी का, मैंने सोचा कि चलो आपको दिखा देते हैं। ये लगा हुआ है, पता नहीं लगा क्या क्या हुआ है, जो भी बीच है सारे लगा दिए थे। और ये मेरे ख्याल से मूली है और इसे लग गई थी ऊपर कोई कीड़ा वगैरह, तो उसकी स्प्रे की है कल। और ये भिंडी और इसके अलावा खीरा नहीं थोड़ी करेला पालक, वो सामने भी लगी हुई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा इधर काफ़ी ज़्यादा है जो मुझे पता ही नहीं है कि किस किस चीज़ के थे, वैसे बीच जितने फेंके थे उतनी हुई नहीं सब्ज़ी। चले ये सारा प्रोटोकॉल है। ये मेरे ख्याल से मूली वगैरह भी है, खीरे की भी लगाई थी इधर लेकिन वो नहीं है कोई हुई। और इसके अलावा एक ये भी लगा हुआ है, पता नहीं ये कोई वैसे जड़ी बूटी है या कोई पौधा ही है किसी चीज़ का। चले वो तो भी जब बड़ा होगा फिर ही पता चलेगा। और इसके अलावा ये सारी लगी हुई हैं मूली, और इसके अलावा इधर भिंडी के लगे हुए हैं, ये भी भिंडी का, और वो लगी हुई है रवेल इसकी करेले की थोड़ी, ये भी भिंडी, वो सारी अंदर लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा पालक वगैरह और ये वो सारा कुछ। और ये साइड पर भी इधर भी लगाई थी थोड़ी, लेकिन यह कि उधर वो ऐसे ही फेंकी दी थी, वो इस वजह से नहीं हुई। तो बाकी ये है, ये कद्दू का लगा हुआ, ये सारे कद्दू साइड पर। और इसके अलावा इधर मिर्चें लगी हुई हैं, सब्ज़ मिर्च शिमला मिर्च और भट्ठे, और इसके अलावा धनिया लगा हुआ है, ये मिर्चें लगी हुई है सारी। और ये भट्ठे की लगी हुई है एक दो क्यारी, और इसके अलावा शिमला मिर्च लगी हुई है, और ये धनिया लगा हुआ है, धनिया काफ़ी ज़्यादा हो गया धनिया, ये सारा साथ साथ है और यह भी सही है धनिया, ये देखे ज़रा ये सारा प्रोटोकॉल है। और तकरीबन अभी हो गया है एक मंथ या मंथ से शायद ज़्यादा ही हो गया इसको लगाए हुए, तो अभी ये बन रही है इसकी रवेल वगैरह, अभी इसको मिट्टी लगाएंगे साथ, और इसके बाद ये साइड पर बैठना शुरू हो जाएगी रवेल। ये सारा प्रोटोकॉल है। और मिर्चें वगैरह भी अभी तकरीबन इसको कोई डालेंगे कोई खाद वगैरह, खाद तो नहीं है डालेंगे, देसी सब्ज़ी होनी चाहिए घर की, तो इस वजह से ये सारा प्रोटोकॉल है। ये सारा इधर भी लगाया था धनिया भी और पालक भी, लेकिन यह कि इधर सिर्फ पालक ही हुई है, धनिया तो नहीं हुआ। चले कोई बात नहीं, धनिया यही काफ़ी है। इसके अलावा ये सारा प्रोटोकॉल है। और ये बैठा हुआ है कवा, तो ये है जी सारा प्रोटोकॉल। और जाके आज रात को आपको दिखाएंगे वो घर का टूर भी सारा मेन। और ये इधर भी सफाई वो कर रहा है लड़का, लेकिन यह कि अभी इधर साइड से भी करेगा सारी, पूरा वी आई पी प्रोटोकॉल हो जाएगा। अभी आखिरकार वो दिन आ गया कि जिस दिन आपको दिखाना था उस घर का टूर करवाना था। अभी जा रहा था कहीं तो मैंने सोचा कि उधर से गाड़ी तो लेकर आनी है, तो जाके इनको टूर भी करवाते हैं घर का। थोड़ा जल्दी निकला था, अभी निकलते हैं, इतनी धूप पे जा रहा हूँ स्पेशल आपके लिए, तो अभी जाके उधर आपको टूर करवाते हैं और जो प्रोटोकॉल है सारा करवाते हैं। फिलहाल अभी वो सामने घर है, उधर जाकर करवाते हैं आपको टूर। तकरीबन 10-15 दिन हो गए हैं, लेट हो गया था काफ़ी क्योंकि टाइम ही नहीं लगता थोड़ा बहुत भी, आपको पता है कि जिस टाइम उठना है फिर उस टाइम बाहर निकल जाना है तो ना टाइम लगता है। वैसे तो मेरे ख्याल से ये लास्ट ही व्लॉग होगा कि इसके बाद कोई व्लॉग श्लाग नहीं आएगा क्योंकि टाइम ही नहीं लगता, तो जिस टाइम फिर फ्री होंगे कहीं फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे।
और सारा प्रोटोकॉल जो भी है। फिलहाल अभी जा चलते हैं, जाके उस घर में गाड़ी निकालते हैं और आपको सारा टूर भी करवाते हैं। आ गया वो सामने, पता नहीं क्या हालत हो गया, हवा चल रही है बाहर थोड़ी बहुत। और ये है घर, आपको दिखाते हैं 0.5 से। और अभी होते हैं एंटर, ये सामने गैराज और इसके अंदर भी खड़ी हुई है गाड़ी। तो स्पेशल में लेने गाड़ी आया हुआ था इधर से। तो जिसकी हालत वो काफ़ी गंदी हुई है क्योंकि इधर धूड़ वगैरह आपको पता है इतनी पड़नी है। और ये हो गया गैराज, सीलिंग सारी इसकी। और इधर ये वायर मोटर वगैरह लगी हुई है साइड पर, ये सारा प्रोटोकॉल। और ये आगे जी इधर होते हैं हॉल के अंदर एंटर, इससे पहले हॉल के अंदर एंटर होने से पहले कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट, ताकि ये तक हम आएंगे गाड़ी वगैरह स्टार्ट हो गए ठीक हो जाए। गाड़ी हो गई स्टार्ट और अभी निकल जाएंगे। ये हो गई हॉल के अंदर एंटर। वैसे तो सामान इधर से पहले कुछ पड़ा हुआ है, और ये इधर लगा हुआ था पत्थर, वो उतरवाया सारा, इसकी वजह से ये नीचे से खराब निकला है। और ये सारा प्रोटोकॉल, ये है जी हॉल, सीलिंग वगैरह छत इसका। और ये साथ ओपन किचन, अभी वैसे गंदा ही हुआ है क्योंकि सफाई वगैरह करवाने वाली थी तो अभी सफाई नहीं करवाई। ये हो गया ड्राइंग रूम ओपन साथ। और इसके अलावा ये इसका सीलिंग और वो साथ वॉशरूम। और ये नीचे कमरे थे, इधर भी अभी सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ये बेड और ये ऊपर इसकी सीलिंग। और ये एलसीडी के लिए जगह है, एलसीडी भी पड़ी हुई है इसकी, इधर ही पड़ी हुई थी अभी पता नहीं किधर है। स्टैंड वगैरह भी उसका पड़ा हुआ था चलें। और ये कबर्ड है साथ, और ये मैं तो आपको साथ दूसरा भी कमरा भी इधर करवाते हैं, लेकिन यह कि एलसीडी अभी नहीं मिल रही कि किधर है। और ये पड़ी हुई एलसीडी, और ये इसके साथ वॉशरूम, अटैच वॉशरूम दोनों रूम्स का। और उसके अलावा अभी आपको जल्दी जल्दी में विजिट करवाना है क्योंकि जाना है आपको बताया कहीं, तो इस वजह से अभी चलते हैं ऊपर। और ऊपर जाकर भी आपको करवाते हैं सारा प्रोटोकॉल। ये सीढ़ी और ये ऊपर हॉल, अभी आपको बताया सफाई वगैरह होने वाली है इस वजह से धूल वगैरह काफ़ी। और ये ऊपर हॉल एलसीडी के लिए हॉल में। और ये बाहर खिड़की और वायर का प्रोटोकॉल सारा, वो सामने कैंट हाउसिंग भी आपको नज़र आ रही है इधर से, वो जो आगे वाल है ना वो कैंट हाउसिंग की है। इसके अलावा ये रूम इधर एक, और इसकी सीलिंग ये देखें, ये इसके लिए एलसीडी के वाल। और ये जो है कबर्ड वगैरह, कबर्ड के ये इस तरह की बनी हुई है कबर्ड। इस साइड पर हैंगर वगैरह के लिए जो हैंग कर लें आप कपड़े। और ये हॉल के अंदर डेकोरेशन पीस वगैरह जो वॉल ने बनाई हुई हैं। ये दूसरा रूम और ये इसकी सीलिंग, सॉरी। और ये इसके साथ भी वॉशरूम, अटैच वॉशरूम है दोनों। और इसके अलावा ये ओपन जगह बाहर को खुलेगी, ये सारा प्रोटोकॉल ऊपर तक और नीचे तक। और इसके अलावा जो फ्रंट वाला रूम है वो भी आपको दिखाते हैं साथ। ये है जी फ्रंट वाला रूम, और इसके साथ ये वॉशरूम, वॉशरूम ऐसे इसके छोटे ही हैं पर चले कोई बात नहीं, ये सेल के लिए ही है। तो ये ऊपर छत इसका, सारी सीलिंग वगैरह चेक करें तो ये प्रोटोकॉल है। और नीचे देखिए गंदा कितना हुआ है, धूड़ वगैरह
की वजह से अभी सफाई करवाते हैं, और फिर आपको अगर तो नेक्स्ट व्लॉग में आए तो फिर आपको दिखाएंगे, नहीं तो बस फिर यही है। और ये किचन ऊपर, ये किचन की वॉल पे भी शीट लगी हुई है सारी, और ऊपर सीलिंग वगैरह सारा ये प्रोटोकॉल है। और इसके अलावा ये बाहर जो टेरेस है, ये सारा प्रोटोकॉल है टेरेस का, है ऊपर छत, ये है जी टेरेस। और यही था प्रोटोकॉल सारा। इसकी किचन की कबर्ड्स वगैरह लगी हुई है ऊपर। अभी करते हैं इसको बंद, और फिलहाल ये जो आ रही हैं सीढ़ियाँ ऊपर को, और ऊपर भी कोई इतना प्रोटोकॉल नहीं है, बस ये शीट लगी हुई है और इसके अलावा माउंटी है छोटी सी। यही प्रोटोकॉल है जी। इधर ये व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को दोस्तों और फैमिली में। फिर साथ तो मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल आपको तय है कि व्लॉग वो लास्ट वाली, तो इस वजह से बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।